दोस्तों यू मुंबा के बेहतरीन राइडर शब्बीर बापू को तो आप अच्छे से जानते होंगे। प्रो कबड्डी में अपनी बेहतरीन राइडर क्षमता से खुद को साबित कर चुके शब्बीर बापू आज जिस मुकाम पर हैं, उनके लिए उनके पिता और परिवार ने काफी संघर्ष किए हैं। दोस्तों शब्बीर बापू प्रो कबड्डी के ऐसे खिलाड़ियों में से एक हैं जिनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। केरल के एक सुदूर गाँव में पैदा हुए शब्बीर बापू भारतीय कबड्डी मैच में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। वह कहते हैं प्रो कबड्डी के आने के बाद जैसे उनकी जिंदगी बदल सी गई है। तो चलिए दोस्तों आज हम शब्बीर बापू की जिंदगी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों शब्बीर बापू का जन्म 2 अगस्त 1986 को कोरल के एक गांव पालाकड़ में हुआ था। उनके पिता एक रिक्शा ड्राइवर हैं। दोस्तों शब्बीर के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छे स्कूल में शिक्षा शब्बीर के लिए मात्र एक सपना ही था। जैसे तैसे करके वे अपने पास के ही एक सरकारी स्कूल में अपनी बचपन की पढ़ाई पूरी की और महज 10 साल की उम्र से अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे। दोस्तों पढ़ाई के अलावा शब्बीर को कबड्डी खेलना काफी पसंद था। हालांकि उनके गाँव में कबड्डी का उतना चलन नहीं था, लेकिन वे फिर भी अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कबड्डी खेला करते थे और कई बार तो वे अपने पास के भी गांव में कबड्डी खेलने के लिए जाते थे। दोस्तों कम उम्र में ही शब्बीर कबड्डी के मैदान में अपने से काफी बड़े उम्र के लड़कों को भी इस तरह दबोच लेते थे कि फिर उनका बचना मुश्किल होता था। एक बार की बात है, उनके गांव के पास के ही एक गांव किशोटी में एक कबड्डी प्रतियोगिता हुई और शब्बीर अपने गांव की टीम को इकट्ठा करके इस टीम में हिस्सा लेने के लिए चले गए, कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चले गए। दोस्तों बाहर की टीमों के सभी प्लेयर शब्बीर से उम्र में बड़े थे, इसके बावजूद शब्बीर की बेहतरीन राइडर स्किल और फुर्ती के चलते उन्होंने अपने गांव की टीम को 5 में से 3 मैच जिताए और इस 15 साल के बच्चे की जबरदस्त फुर्ती को देखकर सभी गांव वालों ने उनकी काफी तारीफ की और बाहर से आए लोगों ने भी उनको कबड्डी में ही अपना कैरियर बनाने की बात कही। लेकिन दोस्तों अपने पिता की छोटी सी आय में बाहर जाकर कबड्डी की अच्छी ट्रेनिंग लेना शब्बीर के लिए काफी मुश्किल था और फिलहाल उन्होंने कबड्डी के बारे में सोचना छोड़ ही दिया। पिताजी के कहने पर उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और 12वीं में अच्छे अंक लाकर सरकारी स्कॉलरशिप भी जीती। हालांकि शब्बीर कुछ काम धाम करके अपने घर को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता शब्बीर से अक्सर यही कहते थे कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें और बढ़िया नौकरी करें। और अपनी पिताजी की बात मानते हुए शब्बीर पास के ही एक शहर चले गए और बीए में एडमिशन ले लिया। बीए की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बैंक की तैयारी भी शुरू की और लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने स्टेट बैंक की क्लर्क की परीक्षा पास कर ली। दोस्तों नौकरी मिल जाने के बाद शब्बीर के परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया, लेकिन कहीं ना कहीं शब्बीर अपने कबड्डी को खेल को काफी मिस किया करते थे। दोस्तों सन 2012 की बात है, केरल में स्टेट डिपार्टमेंट कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसी के चलते शब्बीर को स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की तरफ से कबड्डी खेलने का मौका मिला। दोस्तों शब्बीर तो कबड्डी के खेल में पहले ही बढ़िया थे और यह पहला मौका था जब शब्बीर को किसी स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में कबड्डी खेलने का मौका मिल रहा था। शब्बीर ने इस मौके का बेहतरीन फायदा उठाया और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की टीम को फाइनल तक ले गए। हालांकि फाइनल में उनकी टीम हार गई, लेकिन शब्बीर इस टूर्नामेंट से कबड्डी की दुनिया में कदम रख चुके थे। अब उनको जरूरत थी और ऐसे मौकों की जहां पर वे बढ़िया कबड्डी खेल सकें और उनको यह मौका मिला सन 2014 में जब स्टार स्पोर्ट ने प्रो कबड्डी लीग का आयोजन किया और थोड़े ही प्रयासों में कबड्डी के बढ़िया खिलाड़ी शब्बीर को प्रो कबड्डी की टीम यू मुंबा ने अपनी टीम में शामिल कर लिया और सीजन के पहले मैच से ही शब्बीर ने अपनी राइडर स्किन का लोहा मनवा लिया। दोस्तों प्रो कबड्डी से पहले सीजन से लेकर अब तक वे कुल 52 मैच खेल चुके हैं और 198 रेड पॉइंट ले चुके हैं। हालांकि प्रो कबड्डी लीग में उनका प्रदर्शन दूसरे रेडर से काफी कम है, लेकिन मेरा मकसद शब्बीर बापू की सफलताओं को गिनवाना नहीं है, बल्कि आज वो जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनके संघर्ष और उनके परिवार के समर्पण की कहानी आप तक पहुंचाना है कि किस तरह उन्होंने जिंदगी की अलग अलग मुश्किलों का सामना करते हुए वे प्रो कबड्डी के सबसे बढ़िया रेडर में से एक बन गए और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि हमें अपना काम करना चाहिए और मन लगाकर काम करते हुए हमें ऐसे मौके जरूर मिलते हैं जो हमें थोड़ी देर से ही सही लेकिन सफलता तक जरूर पहुंचाते हैं। शब्बीर बापू की यह कहानी इसी विचार को सार्थक करती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह बायोग्राफी अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।